सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं और अभी चलते हैं टिकट लेने के लिए। गाइस तो देख सकते हैं वो रहा टिकट काउंटर और बाहर देख सकते हैं स्पेस। गाइस इस टाइप से स्पेस दिया हुआ है, तो पहले हम लोग टिकट ले लेते हैं। तो अगर आप टिकट लेने जाते हैं तो आपको इस टाइप से लाइन दिखेगी गाइस, फॉरेनर के लिए अलग, इंडियन के लिए अलग। गाइस ₹80 के, अगर एटीएम से लोगे तो ₹35 करके मिलेगा। तो गाइस हमने टिकट ले लिया है, तो गाइस हम लोग टिकट ले लिए, अभी जा रहे हैं अंदर। तो सामने रहा, देखिए हम लोग को उस साइड जाना है। आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं और जाना आपको आगे इधर है। तो अभी हम लोग जाते हैं अंदर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, और अंदर में आपको यहाँ पे बैग चेकिंग होगी, जहाँ पे आपको ट्राइपॉड लेना अलाउ नहीं है गाइस, प्लस माइक भी आपको अलाउ नहीं है। तो आपके पास अगर सेल्फी स्टिक होगा तो वो आप कैरी कर सकते हो, वो अलाउ है। तो यही आप ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं ये बाहर का व्यू गाइस इस टाइप। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस अभी हम हैं दिल्ली में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुतुब मीनार। यस हम लोग कुतुब मीनार के जस्ट सामने ही है गाइस। तो आज हम कुतुब मीनार एक्सप्लोर करने वाले हैं, साथ ही साथ यहां आप कैसे आए, कौन से मेट्रो स्टेशन के द्वारा यहां पहुंच सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहां आने का आपको टिकट का प्राइस प्लस टाइमिंग भी आप बताने वाले हैं गाइस। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि हम सारी जानकारी आपको दे सकें। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जैसे हम एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको इस टाइप की इमारत जो आधी बनी हुई है इस टाइप से देखने को मिलेगी गाइस। और सामने ये रहा कुतुब मीनार गाइस। तो जैसे आप एंटर करेंगे आपके आगे गार्डन भी देखने को मिलेगी गाइस, और ये टूटा फूटा इमारत जो कि आधा बना हुआ है गाइस इस टाइप से मिलेगा। तो पहले हम लोग जाते हैं कुतुब मीनार के उधर, पहले उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं गाइस, उसके बाद फिर हम लोग इधर आते हैं। तो देख सकते हैं गाइस कितनी सुंदर है इन लगने में, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। और रेड पत्थर से जो बनाया गाइस इसकी खूबसूरती को और भी चार चार कर दे रहा है गाइस, सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। गाइस कुतुब मीनार का स्थापना विजय स्तंभ के रूप में बनाई गई है, और इसका स्थापना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया गया जो कि 1192 में बनाया गया है। देखिए देख सकते हैं आप इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई आपको 238
फीट ऊपर तक है गाइस, देखिए इतनी ऊंचाई में है। पहले इसके अंदर आपको जाना अलाउ था, बट अभी ये बंद है क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो स्टूडेंट थे अंदर गए थे और भागदौड़ के कारण गिर गए और बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पे डेथ हो गई गाइस, तब से ये बंद है। तो अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको हम बाहर से कवर करके दिखाएंगे जितना हो पाए। तो देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर व्यू है गाइस, तो आगे भी देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो चलिए, तो गाइस अब देख सकते हैं ये जो लिखा गया है वो अरबी लिपि में लिखा गया है, जो कि हमें नहीं आता है पढ़ना। और इसके अंदर जो सीढ़ी बनाई गई है गाइस, वो 373 सीढ़ी है इसके अंदर। तो देख सकते हैं इसकी दीवार कितनी मोटी चौड़ाई में बनाई गई है, कितनी सुंदर लग रही है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं ये अलाई दरवाजा है गाइस, कितनी सुंदर है, कितनी बारीकी से काम किया गया है गाइस। मेरे साथ है शेखर, ये रहा शेखर। शेखर कुछ बोल रहा है इस प्लेस के बारे में, कैसा लगा आपको ये प्लेस? हाँ गाइस, आप यहाँ आ सकते हैं, साथ ही अगर आपको बैठना है तो आप यहाँ पे आके अपना टाइम बिता सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको शांति पसंद है तो ही आप यहाँ पे आए, आराम से बैठे और अपना दिन बिताए। तो अभी चलते हैं गाइस आगे, ये फोटो देखते हैं। तो इधर भी आपको पत्थर का दिखेगा ऐसा बना हुआ, और देखते हैं ये क्या है, मस्जिद है गाइस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी हम लोग आगे जाके देखते हैं मस्जिद अंदर कैसा है। तो उस टाइम का मस्जिद देख सकते हैं गाइस, टाइप का बना हुआ है। मतलब देख रहे हैं ये जो खम्बा टाइप का बनाया हुआ है, मतलब कितना सुंदर कारीगरी की गई है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है, अभी कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं, कोई रील बना रहे हैं, कोई शूट कर रहे हैं गाइस। बहुत ही सुंदर प्लेस है गाइस, सच में हिस्टोरिक प्लेस में घूमने का मजा ही कुछ और होता है, आपको पुरानी चीजें देखने को मिलेगी। गाइस वहाँ पे फॉरेनर सभी आए हुए हैं और उनको गाइड बता रहे हैं इस प्लेस के बारे में। तो ये देख सकते हैं मकबरा टाइप का है गाइस, आई डोंट नो दिखता है, देखते हैं सुनता है। एक्चुअली हम पीछे साइड से देख रहे हैं इसलिए साइड, नहीं नहीं नाम लिखा हुआ तो नहीं है।
la representación de los templos hinduistas, luego versos. सबसे ज़्यादा गए थे ये वाला गेट, देखिए आप कितना सुंदर में मतलब बारीकी से मतलब वो जो अरबी भाषा है उससे लिखा गया है और सुंदर सुंदर एकदम छोटा छोटा कलाकारी की गई है गाइस, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये देख सकते हैं गाइस, ये है आयरन पिलर गाइस, जिसमें अभी तक कोई जंक लगा हुआ नहीं है गाइस। सोचिए उस ज़माने में ये आयरन पिलर जो लगाया गया था, और इतना प्योरिटी है इसमें कि सोच सकते हैं अभी तक इसमें जंग नहीं लगा एक भी। अभी का आयरन में आप देख सकते हैं मतलब कुछ दिन हुआ नहीं, पानी पड़ते ही जंग निकल जाती है गाइस। तो इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं ये किससे बनाया गया है, इसके बारे में सारा डिटेलिंग भी यहाँ दी गई है गाइस। कुतुब मीनार का व्यू दिखाते हैं आपको, देखिए अब चलते हैं उस और पता नहीं वहां पे क्या है। तो हम लोग सीढ़ी के सहारे अभी उतर रहे हैं, दूसरी ओर जा रहे हैं गाइस। तो वहां पे आप देख सकते हैं फोटो को एक क्लिक कर रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं अब कुतुब मीनार का व्यू बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर। बहुत कुछ इस प्लेस में आ चुके हैं गाइस, जो नहीं आए हैं अगर दिल्ली आ रहे घूमने के लिए तो आप इस प्लेस में जरूर आए गाइस और विजिट करें। आपको यहाँ पे हिस्टोरिक से रिलेटेड ही आपको बहुत सारे प्लेस मिल जाएंगे देखने के लिए, उसमें से एक ये भी है गाइस। गाइस देख सकते हैं बाहर भी गार्डन टाइप का है बना हुआ बहुत सुंदर। ये है खिलजी का मदरसा, देख सकते हैं। और इसके बाहर पता नहीं पीछे में आपको गार्डन टाइप को देखने को मिलेगा। तो हम लोग पीछे से एंटर करते हैं इस मदरसे में। सलाम, वही से मारो ना सर, इधर ऊपर उसके जस्ट पीछे का व्यू देख सकते हैं।
गाइस यहाँ आने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका कुतुब मीनार स्टेशन पड़ेगा यहाँ पे आप मेट्रो से आए तो, और आप यहाँ पे बस के थ्रू भी आ सकते हैं। आप अगर मेट्रो आते हैं तो वहाँ से आपको ऑटो लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और आपको यहाँ पे टिकट का प्राइस आपको इंडियन के लिए 40 रुपीज़ है पर, और आपको फॉरेनर सबके लिए 500-600 गाइस। तो आप टिकट लेके यहाँ अंदर आ सकते हैं। तो देखिए, तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं यहाँ से नियरेस्ट कौन सी प्लेस है जहाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।